walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. तो आज की वीडियो में जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने ये लुक क्रिएट किया है और आज की वीडियो में यही लुक का ट्यूटोरियल मैं देने वाली हूँ और बेसिकली ये दो कलर से मिलकर बना है ऑरेंज और ब्लैक. आप चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो इस लुक को कैरी कर सकते हो. तो जैसे कि आपको पता है कि फेस्टिव सीजन भी आने वाले हैं और शादियों का माहौल भी चल ही रहा है तो आप चाहो तो एज अ गेस्ट इस मेकअप को कैरी कर सकते हो या फिर सिंपल सी पार्टी में या फिर अपने किसी भी फेस्टिवल्स में इसको कैरी कर सकते हो. आप इस लुक को एक और तरह से कैरी कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे बड़े बड़े इयररिंग्स पहन सकते हो विदाउट नेकलेस और ऑरेंज आई मेकअप की जगह आप यहाँ पे स्मोकी आईज भी लगा सकते हो. तो ये आप पे भी डिपेंड करता है बट मुझे ये लुक ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये वाला ट्राई किया है और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगे. साड़ी पे फोकस मत करना, मेकअप पे फोकस करना क्योंकि साड़ी पहननी मुझे नहीं आती और ये मैंने बस मेकअप के साथ किस तरीके से लगेगी इसलिए पहना है और आई होप ये अच्छी लग रही है. यहाँ पे मैंने इसके साथ बैंगल्स भी डाले हैं जो कि ब्लैक कलर के हैं. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये मेकअप कैसे किया जाता है तो वीडियो को एंड तक देखना. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. तो शुरुआत करते हैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने से. मॉइस्चराइज करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी ज्वेलरी पहन रही हूँ. तो ज्वेलरी में मेरे पास है यहाँ पे ब्लैक कलर का एक नेकलेस जिसके साथ इयररिंग्स भी हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे बैंगल्स ले रही हूँ. बैंगल्स भी मेरे ब्लैक कलर के हैं जिसमें गोल्डन टच है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन. फाउंडेशन को मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूँगी. फाउंडेशन लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपनी अंडर आइज़ के लिए. अगर आप फाउंडेशन लगाने के बाद थोड़ी देर रुकने के बाद जैसे कि 20-30 सेकेंड्स रुकने के बाद अगर आप कंसीलर लगाते हो तो इससे क्या होता है कि फाउंडेशन का बेस आपका सेट हो जाएगा और कंसीलर के साथ वो मिक्स नहीं होगा, एक लेयर बना देगा. याद रखना फाउंडेशन कंसीलर और कम्पैक्ट यूज़ करने के बीच में आपको कम से कम 30-40 सेकेंड के आसपास का गैप रखना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन आपने की थी फाउंडेशन की या फिर कंसीलर की या फिर कॉम्पैक्ट की वो अच्छे से सेट हो जाए. सेट होने के बाद जब हम उसकी दूसरी लेयर लगाएंगे तो वो अच्छे से आपको फुल कवरेज देगा और अगर वो मिक्स हो जाता है तो इससे आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा. ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ. नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी आईब्रो फिलिंग कर रही हूँ. आईब्रो फिलिंग करने के बाद मैं यहाँ पे ब्राउ डिफाइन करूँगी कंसीलर की हेल्प से और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. तो अब शुरू करते हैं हम अपना आई मेकअप. आई मेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर को मैं सबसे पहले प्लेस करूँगी. ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंटेशन आपको कवर करनी है इस टाइम पर और उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है इसको प्रॉपरली. ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर से, बेसिकली मेरे पास यहाँ पे अभी ब्लैक कलर नहीं था तो मैंने उसकी जगह डार्क ब्राउन लिया है. आप लोगों को ब्लैक कलर ही यूज़ करना है. इसको एज अ लाइनर आपको लगाना है. मैंने यहाँ पे लाइनर की तरह लगाया इसको और उसके बाद हल्का सा स्मज कर लिया है ताकि इससे एक लिटिल बिट आपको स्मोकी सा लुक आ जाए. उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिमर शेड गोल्डन कलर में और इसको अपनी आईज के बिल्कुल सेंटर पे लगाऊंगी ताकि एक गोल्डन टच आ जाए मेरी आईज को. जिस तरीके से मेरी साड़ी में गोल्डन कलर है तो एक हल्का सा टच आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है. आपको दोनों आईज में इस तरीके से करना है और इसके बाद अगर आपका जो लाइनर है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है तो आप उसको रिफिल कर देना जिस तरीके से मैंने किया है. बारी आती है अंडर आइज़ की. अंडर आइज़ में एप्लीकेशन करना मत भूलना. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर लगाया. ऑरेंज कलर के बाद मैं यहाँ पे हल्का सा ब्लैक कलर या फिर ब्राउन कलर से इसको स्मज करूँगी ताकि मेरा पूरा आई मेकअप इवन लगे. नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लश. ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है द फेस शॉप की लिप टिंट और लिप टिंट भी ब्लश का काम करता है बहुत ही खूबसूरत तरीके से. तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है. इसको बहुत जल्दी जल्दी आपको स्मज करना पड़ता है वरना ये स्टेन छोड़ देता है तो इस बात का ध्यान रखना. अब बारी आती है हाइलाइटर लगाने की. हाइलाइटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एक मेकअप के लिए जो आपको एक अलग ही ग्लो देता है. तो अब बारी आती है लिपस्टिक की.
अगर आपके लिप्स में डीकलरेशन है, यानी कि कहीं से डार्क और कहीं से लाइट है, तो उसके लिए आप फाउंडेशन का बेस लगा सकते हो। या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी लिपस्टिक लाइट कलर की है और उसका पिगमेंटेशन कम है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए भी आप एज अ बेस फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके नीचे अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना मत भूलना। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे लिप्स में बहुत ही अच्छा और खूबसूरत ऑरेंज कलर का पिगमेंटेशन आ गया है। अब लिपस्टिक प्रॉपर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आईलैशेस, क्योंकि ये काम सबसे ज़्यादा मेहनत का होता है, तो मैंने सोचा इसे लास्ट में करा जाए। तो आईलैशेस लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लगाई है बिंदी ब्लैक कलर में। आपके पास बिंदी नहीं है तो आप लाइनर भी लगा सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लाइनर ही लगाया है। और इस तरीके से मेरा ये वाला लुक कंप्लीट हो जाता है, और आई होप ये आपको लुक पसंद आएगा। पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।